शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम कोई बेचारे बेचारे नहीं है जिसे आप पुचकार रही हैं। जाइए अपनी सहेलियों के साथ, कहां ना जाओ। माँ नहीं दीजिए, हम करते हैं। अरे हम कर रहे हैं ना, तुम जाके पढ़ाई कर लो। हाँ कोई जरूरत नहीं है, अब हम आ गए ना, हम सब कर लेंगे। तुम मानोगी ना। चाहिए आप जाइए यहाँ से, हमको यहाँ बहुत काम है। लेकिन शिवांश तुम कहाँ ना जाइए। भैया माफी मांग लीजिए, भाभी जी बहुत अच्छी है, तुरंत बुला देंगी। मजनू कैसे बोले यार, कॉलेज में कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिए थे। अरे आप भी ना भैया, आप तो जाइए अंदर जाइए। अरे मजनू, अरे जाइए ना, अरे जाइए 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 मजनू। जी वो कॉलेज में कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिए थे, माफ कर दीजिए ना। क्या हो रहा है ये शिवू, वो घुटने पे क्यों बैठा है? अरे अम्मा भैया गलती किए है, घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे ना, और माफी भी मांगनी पड़ेगी। माफी? किस चीज की माफी? अरे डांट जो दिए थे भाभी को। पहले दिन ये हाल है तो आगे राम जाने का कांड होंगे। घर के मर्द को घुटने पिला दिया। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमारे पास रहिए। लो कर लो बात, भाई हम तो मरे जा रहे हैं आपके पास आने के लिए। दूर। अरे ये तो गलत बात है। लो हो गई सुलह, बधाई हो अम्मा। अम्मा कहाँ है? पता नहीं अम्मा जी को क्या हुआ है, बस जाप किए जा रही हैं मंदिर में बैठ के। कोई बात नहीं माँ, आप इन्हें परोसिए, हम उन्हें लेकर आते हैं। अम्मा अम्मा आप अभी तक पूजा कर रही हैं? चलिए खाना लग गया, सब इंतजार कर रहे हैं। रुको, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। तुमसे हम बहुत सख्ती से पेश आते हैं ना, क्या करें, हमने यही देखा है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे ही पेश आते थे, लेकिन देखो हमने तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया। जानते हैं अम्मा, और आपने हमें कॉलेज जाने की इजाजत दी, बहुत बड़ी बात है। और संजोग देखो, शिव को वही नौकरी मिलना लिखा था, तुम लोग
नए जमाने को हूँ ना, पर भले ही हमारी सोच बरसों पुरानी है, लेकिन बरसों की इसी अनुभव से कह रहे हैं, गाड़ी के पहिए समान ना हो तो गाड़ी चल नहीं पाती। हमने देखा है वो वीडियो दुल्हन, शिवू तुम्हें नाश्ता करा रहा था और उसी बात को लेकर कॉलेज के बच्चों ने बात बनाई। आखिर तुम दोनों में कहा सुनी हुई गई? हुई थी अम्मा, लेकिन वो बात तो हम दोनों कब का भूल भी गए। क्योंकि ये पहली बार हुआ था ना दुल्हन, जब ये आए दिन होगा तो क्या होगा, बुला पाओगे? अम्मा आप बड़ी, आपकी चिंता समझते हैं हम, पर हम पर भरोसा रखिए, हम इस रिश्ते को, इस घर की परंपराओं को ना कभी टूटने देंगे ना बिखरने देंगे। और शिवांश, उनको भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत समझदार है वो, रिश्तों को संभालना जानते हैं। इन्हीं बुरी आंखों ने जरा जरा सी बात पर परिवार बिखरते हुए देखा है। लेकिन अम्मा, हमारी बात सुनो, जाके शिबू को कहो कहीं और काम ले ले, कल से वो कैंटीन में ना जाए। तुम जहाँ डॉक्टर बनने जा रही हो वहां पे वो लोगों को चाय पानी पिलाएगा ना, ऐसा छोटा काम करने की कोनो जरूरत नहीं है, मना करो उसे। अम्मा उनका दिल टूट जाएगा, वो बड़े स्वाभिमान से काम कर रहे हैं और हमें फक्र है उन पे। आज फक्र है और कल शर्म आएगी तब? नहीं आएगी। आएगी, तुम्हें ना सही, शिबू को एक ना एक दिन शर्म जरूर आएगी। तुम इस घर में आग लगाना चाहती हो? अम्मा जाओ यहाँ से, खाना तो खा लीजिए। नहीं खाना है हमें। अम्मा ऐसे गुस्सा मत करिए प्लीज, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, थोड़ा सा। तो अपनी जबान दो, शिबू से बात करेगी, कहो उसे कि कैंटीन का काम छोड़ दोगे। लोग उस वीडियो पर कैसी कैसी बात लिख रहे हैं, हम कह देते हैं अपने मुंह में हम तभी नेवाला डालेंगे जब तुम शिबू से बात करोगी। ठीक है अम्मा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। क्या? हाँ, हम शिवांश से आज रात में ही बात कर लेंगे। बात छोड़िए, हम उसका कैंटीन में जाने ही छुड़वा देंगे। सच? बिल्कुल सच। वचन दे दो। वचन देते अम्मा, अब तो आप खाना खाएंगी ना? माँ, हमने जो भी सोचा है आप बस उसमें हमारा साथ देना। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।